कहाँ हो? मैं तो यही हूँ। यहाँ पर कहाँ? मैं तो रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ। अरे मैं भी तो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा हूँ। कहाँ हो? मैं गेट पे खड़ा हूँ, गेट पे। हाय निखिल। हाय रीना। तुम टिंडर प्रोफाइल के फोटो से ज्यादा ब्यूटीफुल हो। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है कि तुम फोटो से ज्यादा रियल लाइफ में खूबसूरत लगती हो। थैंक यू, पर सारी फ्लर्टिंग यही की अंदर के लिए कुछ बचा के रखा है। आओ आओ, मैंने कैबिन बुक करा है। Tell me about yourself. तुमने तो मेरी प्रोफाइल में पढ़ा ही होगा ना मेरे बारे में। डेटिंग साइट्स पर तो लोग नॉर्मली अपने बारे में झूठ ही लिखते हैं। तो तुमने भी अपनी प्रोफाइल में झूठ लिखा है? नहीं नहीं। तो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैंने अपने बारे में झूठ लिखा? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम झूठी हो। तो क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डेटिंग साइट्स पर नॉर्मली लोग लिखते हैं और रियल लाइफ में वो होते कुछ और हैं। What? अब देखो, तुमने लिखा था कि तुम फूडी हो, मगर तुमने अब तक कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। हाँ मैं हूँ फूडी, पर आजकल मैं डाइट पर हूँ। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग डेटिंग साइट पर लिखते हैं वो रियल लाइफ में वो होते नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ और नहीं हूँ। It's okay. कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे झूठी क्यों कहा। अरे यार, मैंने तुम्हें झूठी नहीं कहा है। तुमने मुझे यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये कहा कि मैं झूठी हूँ। अरे यार, सबसे पहले यहाँ पर आके मैंने क्या कहा कि नॉर्मली डेटिंग साइट्स पर लोग अपने बारे में झूठ लिखते हैं। हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं झूठी हूँ। अरे यार, क्या बार बार तुम एक ही बात कह रही हो कि तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। मैंने तुम्हें झूठी नहीं कहा है। तुमने मुझे पहली डेट की पहली मीटिंग में झूठी कहा है। अरे यार, मैंने तुम्हें झूठी नहीं कहा है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था। एग्जाम्पल? हाँ, अब देखो नॉर्मली डेटिंग साइट्स पर लड़कियाँ अपने बारे में क्या लिखती है कि लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप, नॉट इंटरेस्टेड इन लव। अब फ्रेंडशिप शुरू हुई तो अफेयर भी शुरू हुआ ना। व्हाट? फॉर इंस्टेंस, बहुत सारी लड़कियां क्या लिखती है डेटिंग साइट पर, नॉट लुकिंग फॉर हुकअप्स, लुकिंग फॉर ट्रू लव। अब लव होगा तो हुकअप भी होगा ना। ये मैंने लिखा है अपनी बायो में। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझे यहाँ पे सिर्फ हुकअप के लिए बुलाया। I think I should go now. अरे सुनो, मेरे घर का मतलब नहीं था। अरे रुको, अरे सुनो। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा दिमाग ऑलरेडी गर्म है बहुत। दिमाग गर्म है तो बीच पे जाते हैं, बाजू में ही है। चलो। Do you love me? And do you love me? I don't know. मतलब चैट पे तुम बहुत अलग थे और रियल लाइफ में कुछ अलग। I am totally confused now. Exactly. मैं भी वही कह रहा था। ऑनलाइन लोग अलग होते हैं और रियल लाइफ में बहुत अलग होते हैं। ऑनलाइन चैट लोग अलग तरह से करते हैं और रियल लाइफ में लोग बात अलग तरह से करते हैं। हम ऑनलाइन डेटिंग से किसी को मिल तो सकते हैं, मगर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस इंसान के साथ हम जिंदगी भर रह पाएंगे या नहीं। आई डोंट नो, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे वेट 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 वेट, जो कुछ कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हें रोज डे से बुला रहा था। ये देखो, ये रोज भी मैंने रोज डे से ले रखा है। और ये
ये चॉकलेट डे से ले रखा है, रख लो मेरे प्यार की निशानी है। वैसे बाकी दिनों का क्या सोचा है तुमने? बाकी दिन मतलब वैलेंटाइन्स वीक में तो और भी दिन होते हैं ना, जैसे हग डे, प्रॉमिस डे, किस डे, प्रपोज डे। बाकी वैलेंटाइन वीक पे तो मिल नहीं पाए, लेकिन मैं सोच रहा था कि सब कुछ हम आज ही कर ले। वैसे वैलेंटाइन्स दिन के बाद एक और डे होता है, पता है ना? कौन सा? स्लैप डे। अरे कोई नहीं, आपके हाथ से थप्पड़ भी खा लेंगे, इसी बहाने आपके हाथ हमारे गालों को तो छू लेंगे।